वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक को दिल से स्वागत। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिनलैंड वर्क परमिट। फिनलैंड वर्क परमिट कैसे लेते हैं, वहाँ पर बहुत सारी शॉर्टेज है, नियरली है शॉर्टेज वहाँ पर 20,000 वर्कर की, और किस तरह अप्लाई करना है, और कौन कौन सी जॉब साइट्स हैं, और किस किस की डिमांड है फिनलैंड में, कौन सी करेंसी चलती है, कौन सी कैपिटल है, ए बी सी छोटे बच्चे से बताऊंगा इस कंट्री में। पर आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए जिससे आगे जाकर आपको फिनलैंड का वर्क वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम आ सके। तो कोई भी डाउट है, सारे लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप खुद जा सकते हैं और खुद देख सकते हैं, थोड़ी सर्च कर सकते हैं कि आप कैसे फिनलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है किसी भी एजेंट को। तो गाइस, हो सके तो टाइम लगा है, गला ख़राब है, 3 दिन लगे सर्च करते हुए। आपने फिनलैंड का वर्क वीज़ा के लिए आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला यूट्यूबर 59 कंट्रीज का वीज़ा घूम चुका हूँ, और उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और वो कहीं भी कंट्री में जा सकता है विदाउट वीज़ा। प्लस वो खुद 18 साल से यूके रह रहा है, और बहुत ह्यूमिलेशन लोगों ने किया था, वो यही चाहता है कि हर गरीब माँ का बेटा आगे और आगे जाकर और माँ को नया घर दे सके। तो गाइस, वीडियो को दिल खोल के लाइक कीजिए। तो फिनलैंड है वो एक यूरोपियन कंट्री है, जी हाँ, इसकी सिर्फ पॉपुलेशन 5.5 पॉपुलेशन है, और फिनलैंड में जो लैंग्वेज चलती है वो फिनलिश चलती है, पर मोस्ट 70% 2012 आंकड़ा है उसको बताया गया कि वहाँ के लोग 70% इंग्लिश बोलते हैं। जी हाँ, माल्टा के बाद एक ऐसी कंट्री मैंने देखी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश चलती है। फिनलैंड कंट्री के पास है एक रशिया, और उसके पास एक कंट्री नॉर्वे है, और इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंका है, और जो इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, और एक यूरो कम से कम 80 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो बहुत ही आपकी यहाँ पर करेंसी भी हाई है, और ये कंट्री इंग्लिश ओरिएंटेड है, और यहाँ पर बहुत सारी डिमांड चल रही है शॉप सेल्स असिस्टेंट की, शॉप वर्कर्स की बहुत डिमांड है। अगर आप हेल्थ केयर में, हेल्थ की डिमांड है, बुचर्स, शेफ़ की, कंस्ट्रक्शंस की, हेल्पर जो घर में हेल्पिंग करते हैं, होटल जॉब्स एंड शेफ्स की बहुत डिमांड है। पर इसके लिए ना तो आपको आइलेट्स देना पड़ेगा, ना इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत चाहिए। तो आप सोच के आ रहे हैं, अपना सीवी कवर जो आपने मेरे माल्टा के लिए बनाया है, जिन्होंने मुझे पैसे पे कर बनवाया या खुद अपने आप से बनाया, वो सेम सीवी चलेगा फिनलैंड में, क्योंकि आपका सीवी एक प्रोफेशनल सीवी होता है। सीवी से याद है, अगर किसी आदमी मेरी सपोर्ट लेनी है, आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा और वहाँ आकर अपना सीवी बनवा सकते हैं, और जिसकी कॉस्ट 5,000 है नई सीवी की, और चेक कराने की 1,000 है, और आप करियर एडवाइस भी ले सकते हैं। पर अगेन, नो वीज़ा क्वेश्चन अलाउड, बिकॉज मैं कोई वकील नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। इसके अलावा फ्री क्वेश्चन पूछने हैं तब भी आप डेली लाइफ से, आप फ्री क्वेश्चन पूछने के डेली गैरी वेक लाइव होता है, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेप क्या करने हैं, ये तो इन चीज़ों की डिमांड, और वहाँ पर आदमी जो सैलरी, एवरेज सैलरी है वो 70,000 से 1,20,000 उसकी सैलरी है। इसकी सैलरी इतनी माल्टा की तरह नहीं है, पर अगेन वहाँ पर लोग को जॉब मिली है। इसी बात से मुझे याद आया है 2021 में, जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, मैं 3 बार माल्टा गया हूँ, मेरा चैनल सिर्फ 1 साल पुराना है, और मैं पुर्तगाल गया हूँ, पोलैंड गया हूँ, दुबई भी गया हूँ, और आपने यूक्रेन भी बेचा है, और इनमें सब कंट्री जाकर मैंने खुद अपना पैसा स्पेंड किया है 7-8 बार, जबकि और यूके भी गया हूँ जबकि कोरोना चल रहा था। तो 2022 में मेरी शॉपलिस्ट में फिनलैंड है, रोमेनिया है, क्रोशिया है। आप बताना इन तीनों कंट्री में कौन सी दो कंट्री में पहले टारगेट करूँ। माल्टा तो जाऊँगा, पर क्रोशिया, रोमेनिया, फिनलैंड में, और कोई भी आपके दिमाग में कोई और, नीदरलैंड है, कोई और भी है, वहाँ पर जाऊँ, और वहाँ जाकर कौन सी वैकेंसी मेरे इंडियन भाई लोग निकली पड़ी, चाहे वो मेरे पड़ोसी देश पाकिस्तानी बोले नेपाली, उनको कैसे जॉब दिलाने में उनकी हेल्प कर सकूँ, उनका एटलीस्ट गाइड कर सकूँ। उस कंट्री का नाम जरूर लिखिए, और कौन सी स्किल कवर करूँ वहाँ जाकर वो भी लिखिए, और अपना नाम लिखना जरूर, ताकि अब कोई आदमी मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी वीडियो को लाइक करेगा, उसको डेफिनेटली मैं आगे जाकर सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे फैंस लॉयल रहें और मैं भी उनके साथ लॉयल रहूँ। उसके लिए जब आप जाओगे, इसके अलावा बहुत सारी जॉब साइट्स हैं, वो जॉब साइट मीन्स जो होती जॉब इन फिनलैंड है, ईसी यूरोपा, ईयू है, इनके सबके लिंक दूंगा, वही सेम लिंक्डइन, ग्लासडोर, मॉन्स्टर, इंडीड, यहाँ पर आपने जाकर अपना सीवी अपलोड करना है और अपने फील्ड में जॉब अप्लाई करनी है। जब आपका रिज्यूम पिकअप कर लिया जाता है कोई भी कंपनी फिनलैंड की, वो क्या करेगी, आपके सीवी को लेकर जाकर वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है उसके पास जाएगी, और उसके लिए आपके लिए वो कॉन्टैक्ट इशू करेगी और आपको वर्क परमिट लेटर दे देगी। वर्क परमिट लेटर लेने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स करोगे, जहाँ पर आपकी फोटो स्कैन, पासपोर्ट स्कैन, वर्क जो परमिट का लेटर है वो स्कैन, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको मैंने बताया बहुत खुलकर, इंश्योरेंस वहाँ पर, अकोमोडेशन कहाँ रहोगे, क्या आपका एम्प्लॉयर की आइडेंटिटीज हैं, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथ में, कहाँ जॉब एडवर्टाइजमेंट की आप कवर लेटर, वो सारे आपने लोड करने हैं पोर्टेबल पर, उसका फीस पे करोगे, और उसके बाद आपने VFS एम्बेसी जाओ, जो एम्बेसी इनकी फिनलैंड की है, जिसमें VFS है कि नहीं है, वहाँ जाओगे, फिंगरप्रिंट्स दोगे, और उसके बाद आपको आपका जो वर्क वीज़ा लेकर
आप फिनलैंड आओगे। तो गाइज आप इसके फिनलैंड आ जाओगे तो गाइज उसके बाद जब आप फिनलैंड आओगे आपको वर्क वीज़ा मिलेगा एक साल का, अगर आप जॉब एक साल के तो दो साल का मिलेगा। तो किसी भी कंट्री में आप जब पाँच साल रहते हो किसी जॉब पर जहाँ पर टैक्स पे करते हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उसके बाद आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो इंडेफिनेट लीव में, जिसको बोलते हैं रेजिडेंस परमिट फुल 10 साल का या इंडेफिनेट लीव, डिपेंड करता है कौन सी कंट्री जा रहे हो। तो गाइज इसी तरह आप आ सकते हो, मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। अगर आप आईटी के हो, मैकेनिकल के, उसकी भी डिमांड है, पर इन जो फील्ड की जो मैंने बोला है, क्लीनर्स की होगी, हेल्थ केयर की होगी, वेटर्स की, शॉप सेल्स असिस्टेंट की, होटल जॉब, कंस्ट्रक्शन, शेफ, पर इसके लिए आपको कोई आईलेट्स और आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर एक्सपीरियंस कोई दुबई में है आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। मैंने अभी कंट्री यूक्रेन विजिट की, सजेस्ट करूँगा यूक्रेन, ये मत सोचना कि वहाँ जाऊँगा तो मैं पोलैंड या पुर्तगाल चले जाऊँगा माल्टा, ऐसा नहीं है। तो सजेस्ट करूँगा कि शॉर्टकट नहीं है। अगर आप चाहते हो आप दुबई, कुवैत, सऊदी में एक साल एक्सपीरियंस लीजिए और वहाँ से ऐसी बड़ी कंट्री फिनलैंड में अप्लाई कीजिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर आप दूसरी कंट्री यूरोप में जा सकते हैं। और यूरोप में आप बड़े आराम से, अगर आप इंडिया में 50,000 कमाते हो, आप दुबई में 80-90 कमाओगे और माल्टा कंट्री में ड्रीम बॉय का आप 2-2.5 लाख भी कमा सकते हो। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, जो भी लड़का वीडियो देख रहा है अपना हौसला ना छोड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो देखें। और इवन कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल गैरी टीवी है, जहाँ पर कम से कम आपको पता है जैसे बताया 2 मिलियन जॉब्स निकली पड़ी और इंडियन लोग को 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा मिल रहा है। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने गैरी को सब्सक्राइब करना है, उस चैनल पर भी आना है, और आपने इंस्टाग्राम जो आईडी है रियल गैरी कॉर्नर में आपको मैं देखूंगा। तो ऑन द मीन टाइम गाइस स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, आप जहाँ आ रहे खुश रहे, बाद रहे, और मेरे एक नई वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर गाइज, तब तक बाय एंड टेक केयर गाइज, आप जहाँ रहे खुश रहे, बाद रहे, और मेरे तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड।